हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद् गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के दूसरे अध्याय के 60 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो 60 नंबर श्लोक है इसमें ये बताया गया है, इवन द वाइज आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द सेंसेस, अर्थात इवन जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी वो भी जो इंद्रियों के जो वेग है उस वेग को उन्होंने संयम नहीं कर पाए, अर्थात वो भी इंद्रिय भोग के प्रति जो है आसक्त हो गए या आकर्षित हो गए। तो श्लोक इस प्रकार है, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रिया इतने प्रबल है कि उस विवेकी मन, विवेकी पुरुष जो कि अपने मन को, इंद्रियों को संयम करने के लिए प्रयास करता है, उसका जो है उसके मन को भी हर लेता है। इस प्रकार यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि बहुत ऐसे विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, आध्यात्मवादी है जो कि इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं विश्वामित्र, जो कि विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे और उन्होंने जो है एक बार शिकार करने गए थे, तो जब प्यास लगी तो उन्होंने पास में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, उस आश्रम में गए। जब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए तो वशिष्ठ ऋषि उनको स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए उन्होंने उनको, राजा को और साथ साथ जितने भी जो है उनके सैनिक थे, सेनापति आदि थे, सबको बहुत सुंदर भोजन खिलाए, बहुत दिव्य भोजन खिलाए। महर्षि जो राजा जो विश्वामित्र थे, वो तो क्षत्रिय राजा थे, तो वो बोले कि इस प्रकार के भोजन आप कैसे कराए, इसका मतलब आपके पास बहुत एक्सपर्ट जो है शेफ होंगे, मतलब जो खाना बनाने वाले बहुत एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि ऐसे भोजन तो मैंने खाया ही नहीं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि नहीं, मेरे पास जो गाय है, सुरभि गाय है, उस गाय का देन है, वो गाय जो है इस सबको तैयार की है। तो विश्वामित्र राजा तो वो हट करने बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे वो गाय चाहिए। तो वशिष्ठ उस समय सोचते हैं कि राजा है और ऋषि मुनि तो राजा के आश्रय में ही रहते हैं, तो इसलिए वशिष्ठ मना भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुरभि गाय कहती है कि आप मुझे क्यों त्याग कर रहे हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि मैं तो त्याग नहीं कर रहा हूँ, बल राजा हट कर रहे हैं। तो सुरभि गाय कहती है कि आप सिर्फ यही बोल दीजिए, मत जाइए, बाकी मैं सब देख लूँगी। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मत जाइए। तो सुरभि गाय के शरीर से बहुत दिव्य सैनिक निकलते हैं और विश्वामित्र और सारे जो उनके सैनिक थे उनको हरा देते हैं। तो विश्वामित्र चले जाते हैं, अपने राज्य में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे मैं वशिष्ठ को परास्त करूं। तो सबसे पहले वो शिवजी को प्रसन्न करते हैं, शिवजी से कुछ दिव्य अस्त्र लेकर आते हैं, उसे वो वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं। फिर दोबारा जाते हैं, तपस्या करते हैं,
अपने इंद्रियों को संयम करने के लिए तपस्या करते हैं। तो बीच में फिर एक राजा आता है, त्रिशंकु राजा। वो चाहता है कि मैं, वो त्रिशंकु राजा पहले वशिष्ठ मुनि के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप जीते जी स्वर्ग भेज दीजिए। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते हैं ये तो संभव नहीं है, जीते जी तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो फिर वो जानता है कि ये विश्वामित्र वशिष्ठ के शत्रु है, तो वहाँ पे जाके विश्वामित्र के पास कहता है कि वशिष्ठ मना कर रहा है मुझे स्वर्ग भेजने के लिए, कि आप भेज सकते हैं। तो विश्वामित्र तुरंत उनको स्वर्ग भेजते हैं, और स्वर्ग भेजते हैं जो भी तपोबल उनको मिला था अभी तक। तो वहाँ से फिर त्रिशंकु गिर जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जीते जी कोई नहीं जा सकता। तो वहाँ से जब गिरते हैं, फिर विश्वामित्र फिर दोबारा भेजते हैं स्वर्ग, फिर गिरते हैं। तो विश्वामित्र वहाँ पे एक लोक बना देते हैं बीच में, जिसमें वो रह सकता है, और उसी में उनका जितना भी तपस्या का बल था वो ख़त्म हो जाता है। फिर वो जानते हैं कि ये तो मेरे से गलती हो गई, फिर तपस्या करने लगते हैं। कई दिन तपस्या करने के बाद इंद्र उनको परीक्षा करने के लिए उनके पास जो है मेनका को भेजते हैं। तो मेनका आती है, और मेनका आकर जैसे ही उनके पास नाचने लगती है या अपने पायल को जो है पायल का झुनझुन आवाज़ उसका सुनते हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र मेनका के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और मेनका के साथ वो जो है संभोग करने लगते हैं। और ऐसे एक साल बीत जाते हैं, विश्वामित्र को पता भी नहीं चलता। और एक साल के बाद एक कन्या संतान वो जन्म देती है मेनका, जिसका नाम बाद में शकुंतला रहता है। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं अरे ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर वो तपस्या करते हैं। फिर कई सालों के बाद इंद्र फिर रंभा को भेजते हैं। जब रंभा आती है, विश्वामित्र क्रोधित होकर उनको शापित कर देते हैं। फिर उनका जो बार बार उनका तपस्या का फल इसी प्रकार वेस्ट जा रहा था, और आखिर में फिर वो तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनते हैं। तो कहने का मतलब है, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भी अपने पद से बार बार जो है च्युत हो रहे थे, और ये जो इंद्रिय भोग के प्रति वो आकर्षित हो रहे थे। अतः प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। कोई जबरदस्ती मन तथा इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता है। कोई आर्टिफिशियल मींस से हम अपने मन और इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते हैं। कैसे संभव है? सिर्फ कृष्ण भावना भावित हुए होकर। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। जब तक मन, जैसे पिछले श्लोक में हम चर्चा किए थे, जो है रसोवर्जम रसोपेश परम दुष्टा निवर्तते, अर्थात हायर टेस्ट, जब तक मन को हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो इसी इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय भोग में लगा रहेगा। और प्रभुपाद जी एक यमुनाचार्य के बारे में एक उदाहरण दे रहे हैं। यमुनाचार्य कहते हैं, यद्वधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधाम न्युद्यतम रत्तुमासीत तद्वधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठो निष्ठीवनम च। कह रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है, जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। अर्थात यमुनाचार्य कह रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान जी के चरणों में लग गया है और मैं नित्य नित्य नव नव रस आस्वादन कर रहा हूँ, तब फिर मेरा मन जो है कभी अगर बाई चांस आ भी जाता है स्त्री संघ के बारे में, तो मैं उसको थू थू कर देता हूँ। तो कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर वस्तु है, दिव्य सुंदर वस्तु है, कि इसके प्रभाव से
भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। और भूपा जी कह रहे हैं वह ऐसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य अगर प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन कर लिया तो उसका भूख मिट जाता है, और उसके बाद भी अगर आप अगर कुछ उसको दोगे तो मना कर देगा क्योंकि उसका भूख मिट चुका है। तो इसी प्रकार जब एक कृष्ण भावना भावित बन जाता है या जो भक्ति में वो रस आस्वादन करता है तो उसको फिर ये भूख मिट जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, बेसिकली यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि आप जो ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, आप जो बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो ज्ञानी लोगों का क्या हुआ है, पहले जो ये जो ज्ञान ज्ञानी लोगों का क्या हुआ है, तो इससे बढ़िया आप ज्ञान योग से ऊपर उठिए और बुद्धि योग को जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी, जबकि उनको पूरा पता था कि भौतिक क्या है और आध्यात्मिक क्या है, ये पता होते हुए भी उनका जो है पतन हुआ, अर्थात वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हो गए। तो फिर आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, इससे बढ़िया कि आप बुद्धि योग जो प्रैक्टिस करिए, अर्थात आप भक्ति योग को प्रैक्टिस करिए और उसको करते करते अपना काम करते रहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो है भगवान यहाँ पे जताना चाहते हैं कि जो ज्ञान जो है वो जो भक्ति से वो सुपेरियर है। तो यही ये श्लोक में सार था। और आपको इस में क्या समझ में आया, या कुछ अगर समझ में नहीं आया या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इस अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस भगवद गीता का ज्ञान आपके पास भी पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी के पास इस भगवद गीता का ज्ञान पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।